तो भाई 2022 में जो है ना फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा बूम कर रही है, और एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है और इसमें बहुत ही ज्यादा एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। अब वो एस्पेक्ट्स क्या है भाई, फिल्म मेकिंग में जो सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, लाइटिंग, शूटिंग, प्री प्रोडक्शन और न जाने क्या है, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा ऐसे तो। तो भाई इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट फिल्म मेकिंग टिप्स की, जो कि शायद से एक बिगनर को पता होनी चाहिए, और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू गाइज वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड टू टेक योर वीडियो लेवल to the next level, and let's start with this video. तो भाई स्टार्ट करते हैं फिल्म मेकिंग से। अब फिल्म मेकिंग में जो है वर्ड आता है फिल्म, अब फिल्म ही तो आप तभी करेंगे ना जब आपको पता होगा कि क्या फिल्म करना है। तो पहला स्टेप आता है टू क्रिएट अ शॉर्टलिस्ट। अब शॉर्टलिस्ट होती क्या है, शॉर्टलिस्ट आप चाहे तो इमेज से भी बना सकते हैं और आप बाय ऑन टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ऑन टेक्स्ट से मेरा मतलब है कि आपके पास कोई डायरी है, अगर आप लेट्स सपोज कि अगर आप मैं इस जगह से जो है उठ के जो है पार्क में जा रहा हूँ अपना कैमरे को लेके, तो फर्स्ट मेरा शॉट क्या हुआ, फर्स्ट शॉट होगा मेरा टेकिंग द बैग आउट, उसके बाद सेकंड पॉइंट होगा कि पुटिंग द कैमरा टू द बैग। तो इस तरीके से आप अपनी शॉर्टलिस्ट को जो है लेबल कर सकते हैं। तो भाई अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने अपनी शॉर्टलिस्ट बना ली होंगे, आपने लिख लिए होंगे कि आपको कौन से शॉट चाहिए अपनी वीडियोस में या फिल्म में। तो बट आप वो शॉट लेंगे कैसे, बहुत तरीके होते हैं ना। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप जो कि है हमारी, आप उसका वाइड शॉट भी लीजिए और क्लोज अप भी लीजिए, विच मीन्स कि अगर आप जो भी शॉट ले रहे हैं, लेट्स सपोज मैं बाहर जाने का शॉट ले रहा हूं, तो मैं एक वाइड शॉट भी लूंगा और एक क्लोज अप भी लूंगा। अब उससे क्या होता है, उससे बेसिकली आपके शॉट्स में और आपके सीक्वेंस में जो है आपको वैरायटी देखने को मिल जाती है वाइड और क्लोजअप्स की, जो कि एज अ व्यूअर मुझे देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। जब भी कोई मैं फिल्म या बीरोल सीक्वेंसेस देखता हूँ या फिर कोई भी एस्टैब्लिशिंग शॉट जो देखता हूँ जिसमें कि आप एक स्टोरी बता रहे होते हैं बाहर जाने की या फिर कहीं से आने की या फिर आप कोई भी अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं, तो उसमें वाइड और क्लोजअप के एंगल्स जरूर मिक्स करेगा, उससे आपका सीक्वेंस जो है बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। नाउ द मूविंग ऑन टू द थर्ड टिप व्हिच इज क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रास्ट। अब ये कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, अब जैसे कि हम कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ कि जैसे कि मेरे पास ये लाइट है तो अभी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, बट अगर मैं इस लाइट को ऑफ कर दूंगा तो आप देख रहे हो कि आप कॉन्ट्रास्ट कितना कम हो गया, राइट। बट जस्ट स्विचिंग टू द वन लाइट, अब ये लाइट जो है मुझे बहुत ही ज्यादा एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट दे रही है, मुझे सेपरेट कर रही है बैकग्राउंड से। बट आप कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया आप लाइट से भी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे टी शर्ट पहनी है ना, ये ड्रैगन बॉल जी वाली, तो आप इससे भी कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है ड्रैगन बॉल जी वाली लेनी है, मतलब जो कलर होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेम गोज विद द बैकग्राउंड, अभी जैसे मेरे पास तो सिंपल वॉल है, वो आपकी विंडो हो सकती है जिससे कि आप सिलोवेट बना सकते हैं। तो अगर आपको सिलोवेट कॉन्सेप्ट पता होगा, जैसे कि लोग जो है अपनी फोटोज खींचते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं वो सनसेट में जो ब्लैक में आ रहे होते हैं, तो वो सिलोवेट होती है, ठीक है। तो उससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट दिखता है, विच मींस कि आप बैकग्राउंड को जो है अपने सब्जेक्ट को जो है सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रास्ट। अगर आपकी वीडियोस में जो है वो वाला लुक दिखेगा तो आई नो कि आपकी वीडियोस की क्वालिटी जो है ना बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल दिखेंगी और लगेगा कि कोई प्रोफेशनल शूट कर रहा है। तो मेक श्योर यू गाइज ऑलवेज एड अ कॉन्ट्रास्ट इन योर शॉट्स, डोंट फिक्स इट इन पोस्ट। अब देखो एज अ वीडियो एडिटर एंड अ फिल्म मेकर, मैंने अपने चैनल पर बहुत वीडियोस बनाई है वीडियो एडिटिंग की, बट आई ऑलवेज बिलीव दो साइड होती है फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में, एक आपको बनना होता है सिनेमेटोग्राफर, एक आपको बनना होता है वीडियो एडिटर। सो अगर मैं दोनों का ही पर्सपेक्टिव लेके चलूं सिनेमेटोग्राफर का, तो ही विल ऑलवेज डू कि भाई आप एडिटिंग में जितना काम करें और अपना प्रोडक्शन में आप जितना शॉट्स को बेटर बना सकते हैं वो रखिए, ठीक है। अब अगर मैं एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आई नो कि मैं शॉट्स को अच्छा बना सकता हूं, करेक्ट कर सकता हूं, बट टू द यंग फिल्म मेकर्स आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप जितना काम हो सकता है ना अपने प्रोडक्शन में ही अच्छा करो। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आपको शॉट स्मूथ नहीं आया है, देयर इज अल्टरनेटिव वे जिसमें कि आप वॉर्प स्टेबलाइजर लगा के एडिटिंग में जो है अपने शॉट को जो है स्मूथ बना सकते हो। बट देयर इज अदर साइड, आप हो सकता है कि आप अपने निंजा वॉकिंग टेक्निक को यूज करके जो है अपनी शूटिंग साइड में ही अपने शॉट को स्टेबल रखो, जिससे कि उससे बाद में अगर मैं एडिट करूंगा तो कंप्रेशन नहीं डलेगा। सो आई ऑलवेज बिलीव डोंट फिक्स इट इन पोस्ट, मेक श्योर यू टेक दैट शॉट वेरी क्रिस्प एंड टू द एक्यूरेट पॉइंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज टेक इंस्पिरेशन एंड प्रैक्टिस वेल। द रीजन आई एम सेइंग इज बिकॉज जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको जो भी मैंने टिप्स दिए हैं वो सब आपको नहीं समझ में आएंगी और आप उन्हें आउटपुट नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो अभी मैं आपको जितनी भी टिप्स दे रहा हूँ वो सब रियल वर्ल्ड में अप्लाई होती हैं, ऐसे मतलब देखने से अप्लाई नहीं होती है। सो मेक श्योर यू ऑलवेज प्रैक्टिस, एंड द रीजन वाई आई से कि इंस्पिरेशन द टेक इंस्पिरेशन इज बिकॉज देर आर पीपल जो कि आपको बोलेंगे कि इसे कॉपी कर रहा है, उसे कॉपी कर रहा है, बट इट इज ओके मैन, मतलब व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट इट इज ऑलवेज गुड टू टेक
इंस्पिरेशन. इवन इफ यू आर कॉपिंग पीपल, इवन इफ यू कॉपिंग पीटर मैकेनन, एरन रॉबिन्स, मैट डेवेला एंड एनी ऑफ द फेवरेट क्रिएटर दैट यू लव टू वॉच, मेक श्योर यू डू इट वेल, मेक श्योर यू डू इट टू द 100% एंड इट शुड लुक दैट यू हैव कॉपीड देम. एंड इट इज बेसिकली एन अचीवमेंट कि आप उन्हें कॉपी करके और आपके व्यूअर्स को पता नहीं लग पा रहा कि भाई ये आपका फेवरेट क्रिएटर बोला है या आप बोल रहे हो. तो उन्हें ऐसा दिखना चाहिए कि आपने जिस भी क्रिएटर को कॉपी करा है ना वो एकदम अच्छे से कॉपी करो, जिसे उन्हें लगना चाहिए कि हाँ अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पीटर मैकेनन की तरह तो उसमें सब हो. व्हाट्सअप एवरीबॉडी, तो मतलब एकदम अच्छी तरीके से. सो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीक वीडियो गाइस. अगर आपको कोई भी डाउट है फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट्स. मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. पीस आउट.